का चुनाव के प्रचार के लिए मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक प्रत्याशी जी जान से लगे हुए हैं और डोर टू डोर जनसंपर्क करने में लगे हैं, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया है। सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जीत का जो है दावा कर रही है और विकास कार्यों के नाम पर वोट देने की अपील भी कर रही है। मडगांव नगर पंचायत में पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत कर आएंगे और 15 में 15 जीत के आएंगे, क्योंकि आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के जो विकास कार्य को लेकर और आदरणीय डॉक्टर रमन जी के 15 साल में जो काम किए हैं उस बात को लेकर इस नगर पंचायत में 30 करोड़ रुपया के राशि से हम लोग काम करवाए हैं। कांग्रेस वालों ने बहुत ज्यादा मतलब जनता को ठग रही, धोखा दे रही है। धान खरीदने वादा किया था बट ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मैं अपने विकास में नगर पंचायत अगर बन जाती हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, तो मैं जनता का काम अच्छा ही करूँगा। भी विकास करना चाह रही हूँ, अगर जनता हमें लाती है तो हम पूरा विकास कराएंगे, रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, बिजली पानी घर घर पहुंचाएंगे, और तालाब का समस्या है महिलाओं को वो वाला काम भी कराएंगे, चाहेंगे कि तालाब में पार्टीशन हो। खबर दुर्ग से है जहाँ पर